हेलो, हाय हाय, आई एम जस्ट सेंडिंग इनवाइट्स टू आफ्ताब एंड विवेक. हाँ, आई हैव सेंट अ रिक्वेस्ट टू विवेक. हेलो गाइस, हाउ आर यू? Hey, Hey, buddy. Vivek. How's it going, man? All good, yeah. How are you doing? Good to see you, Bob. What's happening? Good to see you, my brother. Wait, we have to get the other one. Jo Yeah. London mein baitha hai wo. Always late. What can I say? Always, Always oh late. my God. एक मिनट, कहाँ है वो? कहाँ है वो? डैडी ड्यूटी में बिजी है भाई. हाँ, वो करेक्ट नैपी है. वैपी चेंज वेंज कर रहा है. बिटिया को दूध दूध पिला रहा है. हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं. गुजर चुके. थैंक गॉड फॉर दैट. गुड, गुड मैन, हाउ यू बीन? क्या हो रहा है? लिसन, आई एम और डैम एक्साइटेड अबाउट योर इमेजिन यार. सुपर्ब आइडिया. लव या इट इट्स मैन. ऑल द थैंक यू बेस्ट टू यू एंड जीन्स. थैंक यू थैंक यू. खूब मस्ती करो. वी आर वेटिंग फॉर आफ्ताब नाउ. या एज यूजुअल सेट पे भी यही होता था. मस्ती 1 2 3 ऐसे ही हमेशा हम वेट करते थे. आफ्ताब, हम लोग बोलते हैं आफ्ताब हमेशा लेट आता था. करेक्ट, एंड एब्सोल्युटली. टेल मी, हाउ इज लॉकडाउन अभी? क्या, हाउ इज, व्हाट हैव यू बीन डूइंग दिस पेंडेमिक? क्या क्या किया? वेल, अ लॉट यार. आई मीन, आई थिंक लॉकडाउन ओपन्ड अप सम टाइम अगो, तो काफी कुछ. आई तो ट्रेवल्ड अ लॉट. आई वेंट टू मॉलदीव्स विद द किड्स, देन आई केम बैक. आई वेंट हाउ आर द किड्स डूइंग? दे डूइंग लुक वेरी सो यार. अडोरेबल. दे वर रिमेम्बरिंग अंकल रिट्स यस्टरडे, सो आई वाज टेलिंग देम अबाउट इमेजिन. टेलिंग देम कि यार ये किस तरह से, यू नो, हाउ माय डॉटर्स वेरी फैसिनेटेड दैट हाउ कैन यू मेक मीट विदाउट हर्टिंग एनिमल्स. सो आई सेड And अंकल being आंटी जी guilt द मेक conscious. प्लांट्स, सो शी इज सुपर एक्साइटेड. शी वांट्स टू नो हाउ. Uncle Ritesh will come and explain to her personally how. सुपर But सुपर. I saw one of her videos here, जहाँ पर आप सब होली के लिए बाल लेकर दे. I thought you were going to tell me about the helmet one. तुम जो बाइक लेके निकले थे, तो हाँ, मेरे दिमाग में तो साथिया चल रहा था बैकग्राउंड में. मास्क क्या को लेके बाइक पे निकला. वाज अ गुड बाइक मैन. व्हेन यू कम होम आई टेक यू आउट फॉर अ स्पिन, और यू कैन टेक जीन्स आउट फॉर अ स्पिन ऑन इट. हेवी बट सुपर बाइक. आई लव द हार्ली डेविडसन. होप यू हैव एक्स्ट्रा हेलमेट्स. आई डू आई डू. अभी तो पूरी दुकान लगा दी है घर पे मैंने. बच्चों के लिए भी, गेस्ट के लिए भी, एवरीबडी हैज हेलमेट्स. तो ग्रेट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर कि यू एक्चुअली टू टेक अ जोक. जब भी कोई आता है That's the fun way to do it. दैट्स द I said, ब्यूटी tell ऑफ. me, is Indu ji joining us today? आई होप आई सेंट हिम एन इनवाइट, बट व्हाई इज आफ्ताब नॉट बीइंग एबल टू जॉइन? I don't know, man. आई I know he was a little bit technically challenged always. And always late to था ही वो हमेशा. And आज भी आई थिंक आफ्ताब इज लिविंग अप टू हिज ग्रैंड ट्रेडिशन ऑफ कमिंग लास्ट. हम जाते हैं ब्रो, जरा डिजिटली उसके पास लंदन जाते हैं और बोलते हैं, सर आ जाइए, शॉट रेडी है. मैं सोच रहा हूँ आफ्ताब को क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं रहा. आफ्ताब, कैन यू सी अस? आई थिंक यू प्रोबेबली फॉलो वन ऑफ अस. आई नो यू आर वेरी, यू डोंट फॉलो बिजी. मेनी पीपल, बट इफ यू कैन फॉलो अस इट विल बी ग्रेट. यस सर, प्लीज प्लीज. सर सर आफ्ताब जी, हमको फॉलो कीजिए और हमारा इनवाइट एक्सेप्ट. मैं कैन भी यू सी फिर अस आफ्ताब? कैन यू हियर अस? बिकॉज कंसिडरिंग दिस वॉज योर ग्रेट, आई हैव एन आइडिया मोमेंट. अरे बाप रे, कितने तुझे रिक्वेस्ट भेजे मैंने, कहाँ है, किधर ये ये अभी फैफू वे है? आफ्ताब शिवदसानी. आ गया फैफू. मुझी उछी लगा के कैसे मलयाली फैफू. हेलो, हो मेरे दोनों मस्ती खोर? कैन यू हियर अरे मी? आफ्ताब आफ्ताब, बट गुड विग या लगा. आफ्ताब, यू केप्ट द ये ट्रेडिशन तेरा ऑफ ऑलवेज बीइंग लेट या सुपर्ब या. तेरे मारे के तूने विग लगाया. मुझे पता है. अरे यार,
यार थोड़ा टाइम तो दे वार्म अप होने के लिए, तू तो मतलब टूट रहा है अभी आया। बाउंसर चालू है बॉस। मस्ती प्रीमियर लीग का पहला बाउंसर आ गया। वन सेकंड, आई एम ट्राइंग टू enlarge this thing. Yeah, by the way, this is Vivek. Thanks for showing us your beautiful with you, bro. Goa. Yes, you should know how much ever you try to enlarge, nothing is gonna happen. Induji is missing this. Where is Induji? Induji, I told him, "Hamko follow karo aap." है वो अभी पता नहीं क्या कर रहे। I'm trying to send him an invite. He's busy writing the script for Masti 4. What? With Ritesh in a triple role. Trust me, Vivek, this guy must have already gone and signed it and got everything going on. Like. hi, welcome back, Ritesh Deshmukh. How? अच्छा ब्रो, अभी यू टेल अस, सिंस हम लोग का तो वो दौर गुजर गया, हाउ इज इट चेंजिंग डायपर्स? हाउ मेनी डायपर्स हैव यू चेंज्ड? ये पहले बता, सच सच बता, ऑनेस्टली। लोड्स। आई केम टू द पार्टी लेट। मतलब तू जब ये साइडवेज वाला लुक देता है ना, तो हमको पहले ही समझ में आता है दिस इज यू ट्राइंग टू लुक कूल। आई एम द कूल डैड, आई हैव चेंज्ड सो मेनी डायपर्स। सच्ची सच्ची बता दे, तूने कितने डायपर चेंज किए हैं? अरे मैंने बहुत डायपर चेंज किए, मुझे माफ कर दे। चाहता हूँ, तूने बहुत सारे डायपर चेंज किए हो तो ठीक है, लेकिन बच्चों के कितने किए? रितेश तेरे मैंने तो बहुत चेंज किए हैं सेट्स में, तेरे को याद है ना? रूम में लेकर तेरे को याद है? अरे पर नहीं, बट नो यार, सीरियसली गाइस, इट्स बीन इट्स अमेजिंग। यार यू गाइस हैव बीन देयर, यू गाइस आर देयर, यू गाइस गॉट अ हेड स्टार्ट, एंड यू नो हाउ इट इज। या इट्स एन अमेजिंग थिंग। ऑफ कोर्स यू, द वन थिंग यू सैक्रिफाइस इज स्लीप, सो स्लीप इज गॉन आउट ऑफ द विंडो। वो तो है। एंड वेकिंग अप एट ऑड आवर्स, एंड आई मीन इट्स अमेजिंग। आई फाइनली जॉइंड द बैंडवैगन, यू गाइस It's really made it to the finish line first. Feeling, and I was telling Aftab, we were just discussing some time ago, when 2 days ago when we called each other. So, you know, hi, he told me I was shooting, I was away for 2 months, and now he's in London. And क्या होता है कि जब बच्चा इतना छोटा होता है, from 6 to 8 months, 2 months for that smaller child is too much of a gap, right? Correct. Yeah. And usually, I just want to tell everyone, जो भी देख रहे हैं, कि हम हमेशा यू नो बच्चे से जल्दी कनेक्ट हो जाता है, माँ का कनेक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन आई पेट से ही हो जाता है यार वो तो। हमारा क्या होता है कि वी लव आवर चाइल्ड, बट वो एक दिन आता है जब बच्चा ना आपकी आंखों में आंखें डाल के ही टेल्स यू, ढूंढ रहा होता है, एंड आई वो सिंक हो जाता है, सिंक। आई हैव बॉय, यू हैव, यू बोथ हैव गर्ल्स, व्हिच इज वंडरफुल, बट आई इज देयर लाइक अ daughter and a father kind of a bond much stronger than a father-son bond? I think, I don't know, Rio, I think you can comment about it. A lot of people talk about it, Ritz, but honestly speaking, when your daughter starts to grow a little bit, like now, when I'm enjoying my daughter from the age of 4 onwards, I'm really enjoying conversations with her. And when she figures one thing out, ki mama ne chahe kitna bhi koi bhi cheez ke liye na kiya, ye aadmi mere ko na nahi kar sakta hai. So when she gets a no from her mama and she comes and she looks at me with those eyes and Ameya says, Dada, and I say, kar do, go ahead. And that's that bond that you know is set. And she knows it. She knows ki this guy is wrapped around my little finger for life. Also what your daughter knows ke baap ne abhi haan bol diya, raat ko pitne wala wo baat. आजकल तो ऑनेस्टी में बोल भी देता हूँ मैं कि क्यों पिटवा रही है। मुझे लगा कि तू बोलने वाला कि आजकल तो दिन में भी पिटता है। बट फादर्स, हमारे जमाने में एक होता था कि फादर्स यूज्ड टू बी डिसिप्लिन, कि अरे पापा आ गए, डैड आ गए, एकदम डिसिप्लिन जो होता था वो फादर के हाथ का रोल था। अभी रिवर्स हो गया। मैं जितने फादर्स को जानता हूँ वो डिसिप्लिन खराब करते हैं, बच्चों को स्पॉइल करते हैं, एंजॉय करते हैं, और जीरो डिसिप्लिनिंग पावर। मेरा तो डिसिप्लिन पावर है ही नहीं। नहीं, हम लोग, बट यू आर नॉट इन दिस ब्रैकेट। That's what I'm saying. तो तुम लोग जो डिस्कस कर रहे हो, मेरे लिए काफी समय है वैसे। I still have few years to go through that. हाँ, but I'm still in that phase के मतलब she's now 8 months old. I'm still in that phase where she's
just started to eat solids and she's not yet started walking, she's just about trying to crawl. तो मैं वहां तक पहुंचा हूँ, जब मैं आपके स्टेज पर पहुंचूंगा तब मैं आपसे सलाह मांगूंगा कि मतलब उसके बाद क्या करना है. अभी बट या इट्स सॉलिड्स खा रही इट्स है ना, अमेजिंग. अभी सॉलिड्स या खा रही है ना, शी जस्ट स्टार्टेड ईटिंग. या यू विल सी नाउ एवरी टाइम यू चेंज अ डायपर देयर विल बी अ न्यू सरप्राइज फॉर यू. There's already, I already get these surprises every morning. I don't want to describe them here on the Insta chat, but they are wonderful surprises. But you know, but लेकिन मुझे 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 एक बात बताओ यार, तुम लोग, I heard Bombay is in a bit of a spot and all that situation going on. How are you guys doing? How is the family doing? No, we are fine. We're trying to, you know, within ourselves, you know, precautions that we can take. Correct. But I'm still currently shooting for a film that I just started. So, you know, it's a different experience because abhi set par protocols alag. Abhi sab log mask pehen kar hote hain. You know, you feel that even if you're COVID there, you have to maintain that distance. Agar aapko dialogue ki sheet de raha hai to pehle ek set hai to correct on the set jo only takes care of sanitizing everything that is there. मतलब बड़े हो बैठ जाओ तो कुर्सियां सैनिटाइज होते फिर आप बैठ जाते हो. सो वी आर डूइंग एज मच, आई मीन फिर भी हो जाएगा तो हो जाएगा मतलब, बट द आइडिया इज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. बट ये तो रहा विनो जो आज हो रहा है, लेकिन आई वांट टू गो बैक टू व्हाट वेयर दिस वी मेट टुगेदर 17 इयर्स अगो. मस्ती दैट इज ट्रू. एक्चुअली वी शुड एक्चुअली स्टार्ट विद द फर्स्ट डे. अब अभी भी अब नाबालिग है. Yeah, right. But I think agar Indu ji aate to he would endorse jo main abhi bolne ja raha hu ki jab sabse pehla din tha hum log, mujhe yaad hai ki mera aur Ritesh ka bar wala scene tha jab hum log lower parel mein Phoenix Mills mein wo bowling company bowling alley thi na wahan par, wahan par hum log shoot kar rahe the. Aur Vivek shayad aap us waqt aaj us din aap nahi the, I think you were required later on. बट जो पहला शॉट हुआ वह मैं इसको बता रहा हूँ उसकी शादी के बारे में. और वॉक्ड इन दिस दिस यंग शाय कोय बॉय हु वाज नहीं मुझे मुझे बोल रहे आपको मुझे बोल रहे करके आ जाओ. हाँ क्या इंदु जी को रिक्वेस्ट भेजी है मैंने. हाँ इज ही हियर. I hope he's I don't know where he's not in town. Somebody. Oh guy Indu ji aa gaye. Sir chehra dikhao to nahi Indu ji ke table dikh rahi hai. Sir table dikh raha hai. Sir aap kahan khana kha rahe ho? Camera ulta hai, camera ulta hai. Ulta? Kahan? Sir camera aa raha hai, kya baat? Ulta ulta. Kamal hai Indu ji. Mere bachcho. Chapati. Iski chapati us. Ho gaya. क्या हो रहा है भाइयों? सर खाना तो खा लिया लेकिन बिल कौन भर रहा है? क्या सर वर्किंग फ्रॉम होम? रितेश का बहुत बुरी बात. विवेक हाय हाय आफ्ताब हाय रितेश लव यू गाइस. तुम लोग माइंड ब्लोइंग हो तीनों. आई लव यू ऑल. हम लोग कह रहे थे 17 साल हो गए मस्ती को और अब रितेश कह रहा था कि अब हम अभी भी नाबालिग हैं. हमारा मैं कह रहा था हम पहले ही 18 हुए थे 17 साल पहले ही. हम पहले अभी एक साल और बाकी है. हाँ और विवेक मस्ती फोर का काम शुरू कर दे, मुझे ट्रिपल रोल में ले रहे हो आप. एक्चुअली तीनों ट्रिपल रोल में हो मतलब 9 जने. हम लोग खुद हस्बैंड बने और हम लोग खुद बीबी बने ना सर. सुपर आइडिया मतलब क्या बजट बचाने का आइडिया निकाला है. वही तो बोल रहा हूँ ना सर. होगा जो हम देखेंगे क्या क्या बोले. बहुत ही एक्सपेंसिव होम वीडियो होगा जो हम खुद देखेंगे घर पे बैठ के. सर सर यू आर लुकिंग एज यंग एज एवर सर. मतलब ऐसा लगता नहीं कि 17 साल हो गए वैसे. क्या बात है यार, आप तुम लोग सब भी वैसे ही लग रहे हो एकदम कौले चिकने. नाबालिग सर नाबालिग. नाबालिग नाबालिग. सर बताइए क्या, हाउ डज इट फील सर
17 years since Masti. How does it feel? Kuch us par aap thoda sa. After Masti, I stopped feeling. सर मैं पूछना चाहता हूँ, जब पहला आपने सब नरेट किया तो आपने क्या सोच के कास्ट किया कि मतलब अभी अभी मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है वो वाला? नहीं नहीं यार, मतलब माइंड ब्लोइंग टीम, जबरदस्त एक्टर्स को कास्ट किया और तुम लोगों ने इतना अच्छा काम किया यार, गॉड ब्लेस यू ऑल यार, सुपर, मतलब आई वांट टू किस यू ऑल. मुझे याद है कि इंदु जी ने आफ्ताब की इसमें तुम आई हैड क्या क्या, मैं युवा की शूटिंग कर रहा था और आप मुझे चेन्नई फिल्म नरेट करने आए थे और जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा होता. मैंने बहुत बार सुना था ये फ्रेज कि आई फेल ऑफ माय चेयर लाफिंग, लेकिन जिंदगी में एक्चुअली मेरे साथ हुआ वो मस्ती. ओ गॉड, ही फेल ऑफ द सोफा इन द सीन दैट ही वाज सोफा या कर रहे थे और गिर गया था हंस हंस के. बट विवेक आई थॉट यू ब्रोक, हां आई थॉट यू ब्रोक योर लेग ऑन द ब्रिज. Cover story, bro. Sir, रितेश का बीच का नाम आपको पता है ना, के से शुरू होता है. क्या है ये? के से क्या है? मुझे बता दे. छोड़ो, this is a censored chat. नहीं नहीं, पर बता देना क्या है ये. नहीं नहीं, के पीसी भी समझ जाएगा. के मैं समझ गया. रितेश समझ गया. के है छोड़िए सर, पहले हम लोग पहले जो लोग देख रहे हैं उनके लिए हम लोग ये बता दें कि इफ यू डू नॉट नो परहैप्स इफ यू न्यू, मस्ती का ओरिजिनल टाइटल मस्ती नहीं था. क्या आप बताना चाहेंगे कि मस्ती का ओरिजिनल टाइटल क्या था? मस्ती का ओरिजिनल टाइटल राइटर्स चाहते थे खुजली. आप सही बोलिए, क्योंकि मैंने बोला था पोस्टर होगा इंद्र कुमार खुजली. मेरे पूरे घर वाले भी यही बोलते थे कि बोले जब जब ये पिक्चर हिट हो जाएगी, बोले अरे इंद्र कुमार की खुजली हिट हो गई. तो इंद्र कुमार खुजली कम विद अ प्रेजेंट टाइटल. हां, विवेक ने भी एक अच्छा सजेस्ट किया था. क्या टाइटल सजेस्ट किया? क्या? बिरयानी. बिरयानी, हां बिरयानी याद है मुझे, बिरयानी. बट मस्ती वाज अमेजिंग यार. मस्ती वाज़ अमेजिंग. बोला इसका पार्ट टू, क्या पुलाव बनूंगा मैं? ग्रैंड बिरयानी तो नहीं कर सकती. नहीं, बस दूसरी चीज, आपको याद है कि हम लोग जब शूटिंग करते थे तो एक और मतलब मुझे याद आया कि हम लोग सबसे एक्साइटेड कब होते थे? जब लंच टाइम शुरू होता था. आपको याद है आपका एक आदमी था लंच के सारे रेस्टोरेंट्स के, उस वक्त जोमैटो वगैरह था नहीं, मतलब ऑनलाइन ऑर्डरिंग था नहीं. ऑल द मैनुअल मेन्यूज, फिजिकल मेन्यूज यूज्ड टू कम टू अवर टेबल. यू गाइस रिमेंबर दैट इन द वैन वी शुड सिट डाउन. फैफी था हम लोग, जो हम लोग तो जो ऑर्डर होता था वो खा लेते थे. यू नो आई तो फैफी के रूम में भेज देता, मतलब फैफी के वैन में भेज दो सारे मेन्यू, वो ऑर्डर कर देगा. फैफी बैठता था पूरे मेन्यूज ऐसे बिछा के. और मेन्यू का शुरुआत कब होती थी? मेन्यू का बुफे था वैसे. मेकअप लग रहा है मेन्यू. हाँ. तो लंच के लिए अभी प्लानिंग कर लेंगे. कितनी सिंसियरिटी के साथ ये लोगों ने फिल्म की, देखा आप लोगों ने? 100% सर, 100% सर. बताना चाहता हूँ मैं, मेरी ये तीसरी फिल्म जी. तो जब भी खाना आता था यूनिट का खाना था कि एक डब्बा आएगा आप यूनिट का खाना खाओगे. जब मैं मस्ती फिल्म करने आया पहले दिन पे, तो आफ्टर ब्रो व्हाट विल यू ईट, मतलब जो भी खाना आएगा मैं खा लूंगा. नो, कम टू द वैन. और उसने जैसे वो गेट पेपर बोलते ना, फोटो 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 एल्बम है. प्लास्टिक बुक होती थी याद है, जिसके अंदर एक एक पन्ने के अंदर एक एक मेन्यू होता था अलग अलग. कौन सा देगा? फट 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 करके चाइनीज के चार पांच खुल जाते थे. जब फिल्म खत्म हुई तो अशोक जी को पता चला कि आफ्ताब का खाने का बिल उसी प्राइस से ज्यादा है. जो खाना आता था
ओह आफ्ताब आफ्ताब के घर का खाना अमेजिंग मॉम जो बना के भेजती थी और माइंड ब्लोइंग पारसी फूड आई रिमेम्बर दैट उस वक्त हम लोग सब पारसी नॉनवेज भी खाते थे सर और मेरे अंदर का भी मरा हुआ पारसी और धान साग खा के पागल हो जाता था मरा हुआ पारसी केयरफुली नहीं बट सर आपको मैं एक्चुअली आपके आने से पहले मैं बता रहा था इन दोनों को कि हमारा जो फर्स्ट डे था हम लोग लोअर परेल में फिनिक्स मिल्स बॉलिंग कंपनी में शूट किए थे आपको याद है yes. और मेरा और रितेश का सीन था जब हम लोग एक दूसरे के लाइफ के बारे में शिकायत कर रहे एक दूसरे को और विवेक शायद उस दिन लेट ऑल टाइम लेट था और याद है मतलब जो स्कूल में फर्स्ट डे जो स्टूडेंट्स आते ना वैसे जो उनका जो बर्ताव था उनका जो पर्सनालिटी था आपको याद है इतना मतलब शाय कोय मतलब ब्रांड न्यू ब्राइड जैसा था उनका ना आपको याद है ना हाँ हाँ एकदम याद है भाई और अब 100% याद है और अब देखो क्या अब हुआ तो था? मतलब हम उसके सामने सब ब्राइड लग रहे हम सब घूंघट में है वो हमारा उठा रहे खोलना घूंघट ब्राइड से एक बात याद आई मुझे मतलब गिनीज बुक का रिकॉर्ड होना चाहिए इतना खुफिया रिलेशनशिप कि हम सब सेट पे हैं और ये दोनों ने जो शुरू किया मियां बीवी ने और किसी को खबर नहीं कहा 1 2 3 हो रहा है सब चलते जा रहा है और फाइनली मतलब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड फॉर आफ्टर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड फॉर वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स दीज आर द पोस्टर बॉयज रितेश के सामने इनकी फोटो लगनी चाहिए जिनीले और बट रितेश द बेस्ट एक्टर ऑन द सेट एंड ऑफ सेट वाज रितेश देशमुख बेस्ट एक्टर आई स्वेयर मेरे दो बच्चे हो गए मैं सिर्फ अभी भी गुड फ्रेंड्स है फर्स्ट फिल्म जहाँ पर एक्चुअली जिनीला मेरी शादी आप लोग बाजू में थे तब हुई थी एक्चुअली फर्स्ट अपनी शूटिंग में फैन में गए और हम लोगों ने एक फोटो ओके बिकॉज मेरी रिलेशनशिप नहीं थी तो हमको पता नहीं था कि इवेंचुअली आर वी गोइंग टू गेट मैरिड टू ईच अदर और नॉट वाज अ मोमेंट ऑन मस्ती सेट फॉर अस क्या बात है मेरे अरे यहाँ तो शादी हो गई लाइफ में आगे पता नहीं क्या होगा अरे वाह क्या बात है यार पहली बार पता चला हमको पर वो फोटो है कहाँ रहते हैं पर रुस्तम में फोटो कहाँ है नहीं पर एक बात बोलूं मुझे मुझे वाइब्रेशन आ रहे थे मुझे लग रहा था कुछ तो हो रहा है अंदर अंदर ऐसी खिचड़ी पक रही है I could smell it. तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा या तुम लोग को आया होगा तुम लोग भी येड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे I don't know. हम लोग येड़ा बन के बहुत समय से पेड़ा खा रहे थे इसके साथ लेकिन मैं तो समझ गया था कुछ तो लफड़ा है तो आपके वाइब्रेशन से कौन बचा है सर आपको अगर याद होगा कि मतलब दैट्स वन सीन फ्रॉम मस्ती फर्स्ट पार्ट दैट यू थॉट वाज के कुछ यूनिक था आई विल स्टार्ट मुझे याद है एक था जहां इंदु जी यहाँ पर हम लोग आई थिंक एक घर में टेरेस के पैरापेट पे खड़े हुए आई लव दैट सीन यार ओके और हम लोग बाहर हैं एंड अजय वॉक्स इन के रात को आई थिंक वन ऑफ द हाउसेस दैट वी एंटर या लोगों ने शूट किया और क्या कहता है टेरेस पर ना एक नकली वॉल और बाहर से मतलब एक्चुअल टेरेस घर केबल से बांधा था हमको याद है दीवार के अंदर से याद है और हम लोग मुझे हाइट से बहुत डर लगता था बीच में दोनों के बीच में तो मेरे जो फटे हुए एक्सप्रेशन थे वो एक्चुअल थे मैं ऐसे था कि वाज अ कूल डूड मेरा लंगड़ा चाचा एक पैर ऐसे लेकर एक्चुअल ऐसे खड़ा था एंड आफ्टर फ्रॉम बिहाइंड रिट्स योर वॉइस इज कटिंग या कैन यू हियर मी या नाउ बेसिकली कम्स हां अभी आ रहा है एंड देन अजय के और अजय ने बोला क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसे नहीं एंड विवेक एंड अजय वर शूटिंग यू आर सो दे हैड अ यूनिक कनेक्शन एंड विवेक टोल अजय दैट यू नो
सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है रितेश की फट रही है यहाँ पर. आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स. एंड अजय न्यू के केबल से गए, अजय हैज कम, ये वॉल स्ट्रॉन्ग है क्या? हाँ सर स्ट्रॉन्ग है. यस कम एंड किक फ्रॉम बिहाइंड. धाड़ रहा है. आई रिमेम्बर, आई मतलब मेरे को लगा पता नहीं गए तुम लोग तीनों नीचे, इतना जोर का आवाज आया था. मुझे लगा चलो मतलब पिक्चर बंद घर चलो. तो तीन गए पिक्चर बंद घर चलो, हॉस्पिटल चलो तो बोल लो. नहीं घर चलो ना, वहां से गिरने के बाद तो घर जाना है. और किधर गया है? 12 या 14 मुझे याद है. मतलब जैसे हम लोग जूह चौपाटी में सीन शूट करते जहां पर वो बोलता है आई हैव एन आईडिया, आपको याद है? बड़ा लंबा सा चौड़ा सीन था, आपको याद है इंदु जी? हम लोग रात भर शूटिंग कर रहे थे और एक लंबा स्टडी कैम वाला शॉट छोटा सा ब्रिज, और विवेक वाज लुकिंग लाइक हिज बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ. डू यू रिमेंबर? पेंसिल मुट्ठी और वो टप्पू बाल. और मुझे याद है कि वो डायलॉग्स इतने खतरनाक थे, और मतलब हम लोगों ने काफी रेसिस किया था. एंड उस वक्त तो हमें ये एहसास नहीं था कि ये सीन जो है ना, ये लाइन जो होगा आई हैव एन आइडिया वगैरह, वो इतना आइकॉनिक आगे जाके बनेगा. उसके बाद अगर लोग याद करेंगे तो वो लाइन को याद कर सकते हैं. तो दैट वॉज, मुझे लगा कि इट वॉज अ स्पेशल सीन जो टेक हुआ. आई थिंक इट वाज अ वन टेक ओनली जो हम लोगों ने किया था. दैट वाज एन इनक्रेडिबल, डिफिकल्ट हुआ ना वो पूरा, क्योंकि वो स्टडी कैम वाला लंबा वाला शॉट था. हां फुल इंटरेक्शन था. इतनी बीच में फोन आ जाता है उसका, जब फोन आता है तो डांट रहा हूं. और मुझे एक्चुअली अच्छी तरह से याद है सर, एक अनफॉर्चुनेटली एक टेक कटा हुआ था जिसमें एक लाइट आई थी, एक बीच में एक ऊपर की लाइट आई थी जो आपने शॉट काट दिया था बीच में, जो डायलॉग अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शुरू नहीं हुआ था. बट दैट वॉज टेक्निकली टेक टू, बट द ओनली फुल टेक दैट वी हैव जो हम लोगों ने फिल्म में यूज किया है. तो अगर दैट इज फॉर मी दैट वेरी वेरी स्पेशल एनेक्डोट. या मुझे एक लेकिन दो चीजें याद है. एक तो जब हमने मेरे करियर का सबसे यूनिक एक्शन सीक्वेंस शूट किया, जब हम रितेश के सासू के घर में घुसते हैं काले काले कपड़े पहन के. सीक्वेंस इतना पागल सीक्वेंस है, इतना पागल. लॉरेल हार्डी, टॉम एंड जेरी, सब कुछ कूट कूट के भरा है उस सीक्वेंस में. उसकी आत्मा है उसके अंदर. इट इज वन ऑफ द फनीएस्ट एक्शन आई हैव एवर सीन, बिकॉज इट वॉज द गोल्डन ग्लव. लेकिन वी कांट फॉरगेट टूडे मिलाप एंड तुषार. यस, दे वर द टू डेविल्स हु गॉट दिस सब्जेक्ट एंड हु गॉट द डेविल आउट ऑफ मी. मैं तो अच्छा बड़ा साधु संत आदमी था. हाँ हाँ श्योर सर, हाँ मालूम है, बिल्कुल सर. तुझे मिलाप और तुषार दोनों जिंदा है. यू कैनॉट फॉरगेट. एक मिनट. लेकिन हैट्स ऑफ टू देम. मतलब ये स्क्रिप्ट वो लोगों ने सोची और लिखी, बिल्कुल. मतलब रियली द क्रेडिट इज टू देम. थैंक यू मिलाप, थैंक यू तुषार. हम लोगों ने तो एंजॉय किया. Wherever you guys are, तो ऐसे मौके पे हम उनको ना याद ना करे तो इट वुड बी बट. और सर दोनों के बाद ग्रैंड मस्ती भी लिखी वो लोगों ने. दोनों सक्सेसफुल डायरेक्टर्स हो गए आज. हाँ यार बिल्कुल. हाँ कसम से. होपफुली समवन एल्स इज राइट. एक दो नए शैतान ढूंढने पड़ेंगे मिलाप और तुषार जैसे. गुड, आई एम हैप्पी फॉर देम. नहीं उसके लिए है ना हमारे आकाश और मधुर. आकाश और मधुर इन्होंने जीजीएम लिखी थी. यस यस यस. अरे वो तो कमाल है, वो दे आर अमेजिंग. बहुत बड़ा दे आर ऑल्सो. मतलब वो तो अपनी जीजीएम लीक हो गई. दैट इज अ बैड थिंग, बैड मेमोरी. बट कोई बात नहीं, ये अच्छी मेमोरी और वो बैड मेमोरी. मेमोरीज आर ऑलवेज. अ न्यू फिल्म, आर यू मिसिंग अस? नो, I swear to God I am. तो फिर कास्ट क्यों नहीं किया? कसम से मेरे तीन अनमोल रतन. अरे यार कर दो मस्ती फोर, आज अनाउंस कर दो आप. मस्ती फोर बना रहा होता और नहीं किया होता तो ये बात तुम पूछ सकते थे यार.
है कि नहीं विवेक? बट सर वी ट्रिपल रोल, हाँ ट्रिपल रोल में अब ले रहा हूँ ना सीधा अभी कसर पूरी, तो रितेश तो फिर भी साथ में रहा ही है धमाल में भी कसम से यार, तुम दोनों को मैं मिस करता हूँ, रितेश तो फिर भी कुछ ना किसी मेरे कंधे पे चढ़ जाता है वो आके या मैं उसके कंधे पे चढ़ जाता हूँ हम दोनों एक दूसरे पे जंप मार के चढ़ जाते हैं। थैंक यू फॉर योर कंधा। Oh my God! At least, so we know that censorship is not there. Thank God. But really, yaar, जो मस्ती बनाते हैं, जो मजा आता है ना, माँ कसम, मतलब जो मतलब it is fantastic. It's too good. Strangely, मस्ती बनाते हो. हम लोग voices. Yeah, Rich, your voice is not going through. Can you hear? हाँ, तेरा voice दीदीश में कट हो रहा है. Can you hear me now? हाँ. Hmm. Mic tickle. I just. That's just strangely. First part, we're just trying to get you know. अभी voice के साथ. But उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं यार, you know क्या है? हाँ. मैं ये फोन पे मेरे दूसरे फोन आ रहे थे. I have to cut those calls before I get on this. शादी के इतने मेरे भाई तो बोल दे उनको तुझे कॉल करना बंद कर दे. हाँ यार, ये तो गलत है. अभी क्या करे, ये लाइफ मत करे. But Rich, your voice was breaking. You want to finish what you were saying? Yes, I was saying. हाँ यार. First part में we used to depend a lot on script for chemistry, but I remember you know grand masti or great grand masti. We used to come on the set and there just to be with these guys was just magic. Matlab scene aaya to we knew ki isme kuch alag hoga. And it was just amazing because hum log itne sync mein the as actors. And I feel ki if you call us any time to just do one scene or paper haath mein the to we'll, because we know each other so well and we are so comfortable, we respect each other's space also. It becomes easier to just go out and give a best. नहीं नहीं, पर एक बात बोलूं, जो जब तीन चार एक्टर होते हैं ना, जो तुम लोग तीनों में जो क्या बोलते हैं उसको, टाइमिंग है जी, इज अमेजिंग अमेजिंग. मतलब एक ऑनेस्ट वाइब्रेशन जो होते हैं ना जी, और एक ऑनेस्ट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड मजा करना है, एंजॉय करना है, वो एक्चुअली स्क्रीन पे फिर दिखता भी है जी. हर आदमी दूसरे आदमी को स्पेस दे रहा है कि बेटा तू ले, कितना भाग सकता है भाग ले, ये पंच तेरा है, तू एंजॉय कर. दैट सेल्डम हैपेंस यू नो. बट आई थिंक सर उसका तुम तीनों में है वो क्वालिटी एंड आई सैल्यूट यू थ्री फॉर दैट. बट यू नो सर, आई थैंक यू वेरी मच. दैट इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग टू हैव अमंगस्ट यू एंड आई एम श्योर दैट दे वुड एंडोर्स इट एज वेल. लेकिन सर, दिस वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम यू. अगर आपसे ये बात शुरू नहीं होती ना, तो आई डोंट थिंक ऑल थ्री ऑफ अस वुड हैव गॉट दैट कंफर्टेबल. जैसे कि आप जैसे सेट पर जो माहौल रहता है ना आपके आपके सेट पर, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग इज सो कंफर्टेबल दैट आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस इम्बाइड दैट एज वेल. एंड देन ऑफ कोर्स यू नो वी जस्ट टुक इट टू अनदर लेवल. बट आई वुड गिव अ लॉट ऑफ दैट क्रेडिट टू यू सर. यू अशोक जी, योर एंटायर टीम, यू नो, मेक थिंग्स वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर अस ऑन द सेट. एंड दैट इज अ बिग बोनस फॉर एन एक्टर. आई कंप्लीटली थैंक यू. थैंक यू. या आई एग्री विद यू बट थैंक यू सो मच. नो नो सर, it's also, and I have to just admit one thing that, you know, I have worked with many directors and some wonderful great directors, but a director who is a fantastic actor, I was really, just going to say that there I was is exactly no going to say this Bhav. And I'm telling you that hum log agar whoever sing agar aapko koi scene pasand aaya, hum logon ne jo kiya, hamara timing, we are 1/10 of what Indu ji shows. Yes. हम लोग आधा टाइम इतना हंस रहे होते थे, हम लोग को ग्रास्प करने के लिए मुश्किल हो जाता था कि मैच करना. वी नो द कंटेंट, वी नो द पंचेस, वी नो द डायलॉग. जब इंदु जी के एक्सप्रेशन दिखते थे हम, तो वही हंसना शुरू कर देते थे. वेरी गुजराती एक्टर. यस यस. एंड आई जस्ट वांट Best people, whoever वहां से मुझे निकाला गया था.
हमारा फायदा हो गया सर. लॉस आ गए मेरा भी. Yeah, but sir, it's amazing. It's you who have created this brand, and you have made Masti. Masti is your brand, sir. Humlog to sirf, we're just parts of it. Masti is you, sir. Yeah, so chalo phir part 4 ki taiyari kare kya? Yes, sir. Chalo. Ready. Kab aana hai? Kahan aana hai? Zara bataiye. देखो अभी तक तुम दोनों ने बोला, उसने नहीं बोला है. नहीं, रितेश डबल रोल देखा, तीसरा ऑलरेडी है सर उसने, क्योंकि उसको पता है कि डबल रोल में है, उस दोनों रोल में लड़की प्ले कर रहा है. वन ऑपोजिट मी, वन ऑपोजिट आफ्ताब. वो तो चार रोल में कंधे पर बैठा हुआ है सर. हम लोग आना चाहते हैं आपके कंधे पर सर. आप विक्रम हो, मैं आपका बेताल हूँ. मैं विक्रम. एक्चुअली ऐसा ही है तेरे मेरे साथ. चलो अच्छा है, ये विक्रम बेताल गेम चलती रहे हमारी. सर आप कहाँ हो? एक आध पिक्चर. मैं अभी फिलहाल गोवा में हूँ. ओके सर, आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. ना हाँ, अभी बस लैंड हुआ हूँ. पता नहीं अभी कौन केयर करेगा इधर मेरी. बट एक्चुअली आज ही आए अपने फैमिली के साथ. तो विवेक क्या हाल रहा है? सर सिंस इट्स गोवा, विवेक कैन टेक केयर ऑफ एनीथिंग. बट सर आप प्लीज अपना ख्याल रखिए जितना हो सके. आज हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि 17 साल हो गए. कांट बिलीव इट 17 years. और हम लोग चाहते हैं कि आई मीन द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट वी सी फ्रॉम Masti इज वेरी इनकरेजिंग, यू नो. एंड वी होप दैट समडे अगेन वी कैन मेक दिस, वी कैन मेक अ पार्ट 4 एंड वी कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. वी वर डिस्कसिंग दिस, जब Masti कर रहे थे तो हम तीनों सिंगल थे. Masti 2 जब कर रहे थे तब शादी हुई थी. आई शादी हुई थी. विवेक हैड अ चाइल्ड एंड या आई वाज एंगेज्ड. नो आई वाज एंगेज्ड. यू वाज एंगेज्ड. आई वाज एंगेज्ड. जब Masti 3 कर रहे थे so Vivek you had two kids. Now you had one kid. Vivek had two kids. Vivek had and I was married. Two kids and this guy was married. Abhi Masti jab 4 karenge to Ritesh has 2 kids, Vivek has perhaps more kids which we don't know about. And I have 1 kid. मुझे लगता है तेरा भी सेकंड आ जाएगा. तुम लोग दो दो किड के साथ जब रेडी हो जाओ तो फिर अपन Masti बनाएंगे. है ना सर? ऐसा मत बोलो, ये आज ही काम पे लग जाएगा. सर आपको कैसे पता है? ऑलरेडी मैं काम में लग जाएगा. तो क्या बोल रहा है रितेश? आपका क्या बोला सुना? क्या आप करेक्ट है सर? आपका रिपीट. आपको क्या पता है? बोलता है हाउ डू यू नो. करेक्ट, आई एग्री. हाउ डू यू नो कि आई एम नॉट ऑलरेडी. And I want to thank all those people who joined in to... Yeah, thanks guys. Thank whoever's joined you. In. Thank you, everybody. Hi. And by the way, before we go, I want to say a big hi to Ajay Devgan sir, Lara, Amrita, Janilia, Tara, all the people who were in Masti Part 1. A big hi to all of you in case you guys love Anton and yeah. being part of the journey. Ritesh, you and Janilia are together. So say hi to her from our side. Give her a big hug. Lots of love. It's wonderful, Amrita. Now. Yeah. Beautiful baby, Tara, wonderful, it's amazing. Tara has a beautiful girl, and I just think it's like even was Dil De Diya is one of my top favorite songs. Mine too. And you know we should think of Anand Raj sir for giving such wonderful music. We must, how can we forget him? Yeah, absolutely. And, gana. And the main anchor Ashok ji, thank you so much. Ashok ji, Mr. Takaria. Thank you Ashok ji, we love you. Boss. We love you. Okay, take care guys, thank you so much. Thanks guys, take thanks. Care guys, good aur seeing all of you. Love you all. Thank you sir, love take you care. Too take care of yourself. Take care of yourself. Bye bye.
Yeah.